तो गाइज, ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट्स में काफ़ी सर्च करने के बाद फाइनली मैंने वाओ इमेजिन का स्क्रीन प्रोटेक्टर अपनी अमेज़फिट GTS 2 मिनी वॉच के लिए मंगाना ठीक समझा। तो अब मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और मैं इसको अपनी घड़ी पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। देखते रहिए मेरा चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से पैकेट की अनबॉक्सिंग अपने बड़े से नाइफ के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे इस पैक में गत्ते के अलावा कुछ भी नहीं है, इतना छोटा पैक है। ये वाइप्स हैं, कुछ वेट वाइप, ड्राई वाइप, काफ़ी सारे वाइप हैं, एक दो तीन, तीन वेट हैं, तीन ड्राई हैं। एंड ये आ गया स्क्रीन प्रोटेक्टर दो, ये दो स्क्रीन प्रोटेक्टर हैं। ये देखिए, मैं फोकस एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे से ही हैं काफ़ी, घड़ी का स्क्रीन भी छोटा है। देखते हैं इनकी क्वालिटी कैसी है लगाने के बाद। वैसे तो ये मुड़ रहे हैं, फ्लेक्सिबल टाइप है, ग्लास नहीं है ये, ग्लास में प्रेफर भी नहीं करता, क्रैक इजीली हो जाता है। और इस डब्बे के अंदर क्या है, इसके लिए मुझे दोबारा से अपने लाइफ की ज़रूरत है। इसमें इसके फीचर्स बता रखे हैं, 9 इंच हार्डनेस, HD क्लैरिटी, ईजी बबल फ्री इंस्टॉलेशन, एंटी स्मज ओलियोफोबिक कोटिंग, 0.3 mm राउंड फिट डिज़ाइन, बैलिस्टिक ग्लास, रिस्पॉन्सिव टच, वाटरप्रूफ। चलो ये सब तो कहने वाली बातें हैं, लेकिन ये देखते हैं कि अप्लाई ईजिली हो भी जाते हैं या नहीं, और अप्लाई होने के बाद ये कैसे लुक देते हैं वॉच पे। देखते रहिए मेरा चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी वॉच पे स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई कर लिया है। वैसे मुझे पैकेज में 3 स्क्रीन प्रोटेक्टर मिले हैं, जबकि अमेज़ॉन के पेज पे लिखा था कि 2 स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिलेंगे। बबल फ्री अगर इंस्टॉल करने के बारे में पूछा जाए तो बबल फ्री तो ये नहीं है। मैंने इसको अपने रूम हीटर से थोड़ा सा हीट अप करके थोड़े बबल्स निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे डॉट टाइप बबल्स इस पे हैं। तो अभी कुछ टाइम मैं इसको यूज़ करूँगा और फिर जब इस पे कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे तो मैं इसको चेंज करके दूसरा लगाऊंगा, क्योंकि पैकेज में मुझे 3 मिले हैं। बाकी मैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता स्क्रीन प्रोटेक्टर की, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप है और अच्छे क्वालिटी का जो प्लास्टिक टाइप जो बनता है, वैसा मैं कुछ कहूँगा। और अगर पूछा जाए मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर को रिकमेंड करूँगा तो हाँ, मैं रिकमेंड इसको करूँगा। हो सकता है मेरे एप्लीकेशन में कुछ गलत हुआ हो, मैंने काफ़ी बार इसको उतार के दोबारा लगाया था, जैसे कि आपने हाइपरलैप्स वीडियो में देखा। तो इस वजह से अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको बेशक कर सकते हो, मैं इसको रिकमेंड करूँगा। ओके, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।